एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। स्वागी जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये लव रीडिंग्स होने वाली है, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट या सेपरेशन फेस करने वाले लोगों के लिए। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, मैरिड हैं, कोई भी मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, मियाँ बीवी है, आप हर तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं। पर ध्यान रखना, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट या सेपरेशन फेस करने वालों के लिए, यानी कि लव में प्रॉब्लम्स हैं तो ही ये आपके लिए बनाई जा रही है, उन्हीं लोगों के लिए है। जो लोग करियर और ओवरऑल एनर्जीज के लिए जनरल रीडिंग्स देखना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं पोस्ट डालती रहती हूँ इंग्लिश भाषा में जो है वीकली रीडिंग्स, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी। वो लगभग आपको संडे या मंडे को ही देखने को मिलेगी, वीकली रीडिंग्स राशि के अनुसार है, ठीक है। यहाँ पर आपको लव रीडिंग्स देखने को मिलेंगी और एक एक राशि मैं आपको हर एक एक घंटे में पोस्ट करती हुई मिलूंगी, यानी कि इस पूरे दिन में, संडे के पूरे दिन में आपको जो है एक एक करके सारी पोस्ट जो है देखने को मिलेगी। एक एक घंटे के गैप में एक एक राशि पोस्ट होगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप कैसे कंसिडर करें, नाम के अनुसार देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, राइजिंग साइन के अनुसार, लग्न राशि के अनुसार, जैसे चाहे वैसे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है। आपको रीडिंग के बाद या रीडिंग से पहले किसी भी जानकारी की जरूरत है, इंस्टाग्राम के पेज की या मेरे दूसरे चैनल्स की या ब्रेसलेट रिलेटेड, तो स्क्रीन पे और ठीक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख जाएंगी। ध्यान रखें, रीडिंग पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, या तो क्लेम भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स बोलकर, ठीक है। एक एक राशि है जो मैं आज पूरे दिन पोस्ट करूंगी, तो पेशेंस रखें, आपकी राशि कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है इस पूरे दिन में। ये संडे वीकली स्पेशल है, ठीक है। सो अब जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए है। लव रीडिंग देख रहे हैं हम लोग, अगस्त 27 से 2 सितंबर तक क्या एक्सपेक्टेड है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में। टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्स, दी वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ व्हील्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में, जेमिनी राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग। जस्ट रियलाइज्ड वाइट ज्यादा हो गया, वेट। इनके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे बताएं, इनके पार्टनर की फीलिंग्स। 27 अगस्त से 2 सितंबर तक जेमिनी राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी इनके लिए। लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल आउटकम इस वीक का क्या होगा इनके लिए। 27 अगस्त से 2 सितंबर मुझे बताएं ओवरऑल लव लाइफ का आउटकम जेमिनी राशि वालों के लिए क्या होगा। टावर, हर्मिट, ओके, स्ट्रेंज, ओके। सो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत कंफ्यूज हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आप आखिर करें तो क्या करें। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, आपके पार्टनर आपको मिक्स सिग्नल्स देते हैं या आपको बार बार मिक्स साइंस आते हैं। कभी आपको यूनिवर्स के साइन आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, या कोई सपना आ जाता है, या आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको उलझा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप स्टेबल डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप आगे बढ़े या आप मूव ऑन करें, मतलब आप मूव ऑन करें या उनके लिए वेट करें, ये एक बहुत बड़ा बोलते हैं ना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो चुका है आपके पास, आपके लिए। आपके पास हो सकता है, सभी के लिए मैं नहीं कहूंगी, आपके पास हो सकता है कि कोई अप्रोच आया है या कोई ऑफर आया है जिसके वजह से भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये ऑफर लूं कि नहीं लूं, ऐसी व्यक्ति का वेट करूं। बेसिकली इस वक्त आप मुझे बहुत ज्यादा जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा जगलिंग है इस वक्त। आप स्टिल होकर क्लियर माइंड के साथ कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी हो रही है आपके लिए, न्यू बिगनिंग कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। इस वक्त ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप अपनी एक साइड पे हैप्पीनेस देख रहे हो और दूसरे साइड पे आप सोच रहे हो कि अपने पास्ट को साथ में लेकर मतलब चला जा सके, यानी कि आप अपने पास्ट पर्सन से भी कोई होप रखकर बैठे हो, पर साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस फ्यूचर में देख रहे हो। लाइक समवेयर दो तरीके की ऐसी दुविधा में जाकर फंसे हो जहां पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इन डिसीजन से गुजरते हुए नजर आ रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि इस समय सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल ही ये है, करंट एनर्जी में ही दिख रहा है ये आपकी हालत है।
इस समय सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल ही ये है कि आप जिंदगी में अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हो, अपनी लाइफ में वापस फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। इस वक्त काफी लोगों के लिए मल्टीटास्किंग भी मुझे दिखाई दे रही हो सकता है। आपने एक साथ बहुत सारा काम उठाया है और एट अ टाइम आपको बहुत जगह ध्यान देना पड़ रहा है, घर पे बाहर सब जगह आपको फोकस करना पड़ रहा है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है इस वक्त आपके लिए। बट इस वक्त आपको ये समझना होगा कि आपकी प्रायोरिटी मेन क्या है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आपको अपने लाइफ के जो बोलते हैं ना डिफिकल्ट सिचुएशन में आप फंसे हो, वहां पर आपको ये समझना होगा कि आपकी लाइफ में आपको सबसे पहले क्या चाहिए या सबसे इंपॉर्टेंट गोल आपका क्या है। तभी ही आपके लिए चीजें जो है क्लियर हो पाएंगी, तभी ही आप अपने एक चॉइस एक डिसीजन पर आ पाएंगे। ठीक है, जहां पर मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में पास्ट में कोई चैप्टर क्लोज हुआ है, आपके रिलेशनशिप का चैप्टर क्लोज हुआ है, यानी कि यहाँ पे मुझे सर्कल पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी व्यक्ति के रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, कोई रिलेशनशिप सा बहुत ज्यादा लंबा चला, उस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस रही और फाइनली आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलकर अब आगे बढ़े, लेकिन अचानक से आपको या तो कोई ना कोई साइन दिख रहा है या कोई ना कोई सपना या ड्रीम या कुछ ना कुछ ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से अब आप फिर से अटक गए और आप समझ नहीं पा रहे कि अब जाएं तो जाएं कहां, मतलब जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कंफ्यूजन बहुत क्लियर हो, मतलब दिक्कत बहुत पैदा हो रही है। आप लोगों के लिए मुझे अपकमिंग इवेंट में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई लव लाइफ में कोई नया व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होता हुआ आपकी तरफ इंटरेस्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये मुझे काफी स्ट्रांगली कोई नया ही दिखाई दे रहा है, कोई पुराना पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है, ये कोई नया व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है। समवन न्यू आपकी जिंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो व्यक्ति काफी एक्सप्रेसिव काफी अट्रैक्टिव है, लड़का लड़की ये जो भी है काफी अट्रैक्टिव है। एरिस लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, और यहाँ पर मुझे वर्गो भी मिला है, ओके लिब्रा भी है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति काफी अट्रैक्टिव है, काफी ज्यादा अच्छा बोलते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइक बहुत ही अच्छी प्रपोजल है इनके पास आपके लिए, आपकी तरफ इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपकमिंग इवेंट में दिखाई दे रहा है। लेकिन यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे नया ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप सोशल साइट पर ही ऑफर रिसीव करेंगे, देर आर चांसेस कि आप डेटिंग वेटिंग करेंगे या कोई न्यू सोशल साइट पर आपके लिए यही ऑफर तैयार होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पैशनेट फील करेंगे, ऐसी एनर्जी डेवलप्ड हो रही है। यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके पास दो ऑप्शंस हैं जिसमें आप ज़्यादा जगल करने वाले हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होने वाली है आपके लिए। और यहाँ पर मुझे आपके एनर्जीज में एक मिनट, हाँ आपकी एनर्जीज में मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, यानी कि आप सेफ चलना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको डर लग रहा है प्यार करने से, किसी पर ट्रस्ट करने से, आप अपने आपको लाइक बहुत ज़्यादा लाइक बोलते ना एक जैसे कि रूम में आपने खुद को बंद कर दिया कि अगर मैं रूम से बाहर निकलूंगी तो मुझे कुछ हो सकता है, कोई मुझे चोट पहुंचा सकता है, कोई मुझे मार सकता है। इस डर से ना आप अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहे हो, ऐसी एक शेल बना दी है अपने आसपास, लक्ष्मण रेखा क्रिएट कर लिए कि कहीं रावण आकर मुझे उठाकर ना ले जाए। तो यहाँ पर वो दिक्कत है जहाँ पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ट्रस्ट इशूज बहुत ज़्यादा हैं आपको, और काफ़ी सेफ चलना चाहते हो, और कोई भी व्यक्ति अगर आपको अप्रोच भी कर रहा है तो आप उसके साथ आगे बढ़ पाने में बहुत डिफिकल्टी फील कर रहे हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी बन रही है। अब कुछ लोगों के लिए ये नया व्यक्ति है, या तो कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी, अगर न्यू व्यक्ति आप नहीं देख रहे थे तो कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए ट्रैवलिंग का कोई अवसर बन सकता है, ट्रैवलिंग का कोई अप्रोच, यानी कि आपको बाहर जाने का कुछ ऐसा रह सकता है कि ऑप्शन मिलेगा, या बाहर जाएंगे और बाहर जाने वक्त भी, यानी कि जहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे या सोलो ट्रिप करेंगे या घूमेंगे तो उस वक्त भी आपको अपने पार्टनर का ध्यान आएगा, या कोई ना कोई आपके पार्टनर की आपको चीज़ें दिख जाएंगी जिसकी वजह से आप बहुत कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, आपको लगेगा कि यार अब आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, यहाँ दिक्कत पैदा हो गई। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बिजी बहुत रहेंगे, बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जहाँ पर आपको मैंने कहा ना मल्टीटास्किंग बहुत करेंगे आप, बहुत ज़्यादा एट अ टाइम आपको घर में भी देखना है, वहाँ भी देखना है, बाहर भी देखना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप करते दिखाई दे रहे हो। और इस बिजी होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, आप वापस अपने पुराने पार्टनर को ध्यान करते हुए या उनके बारे में बार बार सोचते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे ओवरऑल अगर आउटकम में कहूँ तो यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, किसी पे भरोसा ना कर पाने की दिक्कत आपकी तरफ से इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रही है, ट्रस्ट इश्यूज आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, एक जो सेपरेशन आपने फेस किया है उसके बाद दोबारा एकदम से किसी रिलेशनशिप में जाना या किसी भी इंसान पे भरोसा करके आगे बढ़ पाना आपके लिए आसान नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं डिप्रेसिव एनर्जी भी क्रिएट कर रहा है आपके लिए। बाकी ये नहीं है कि अवसर नहीं है या कोई आपकी तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, आकर्षित हो रहे हैं, अब प्रपोजल है, बट आप
उस लेवल पे देख नहीं पा रहे हो किसी को। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज की अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो चांसेस मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज्यादा है, अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा है, वो आपको फैंटेसाइज करते हुए या आपको सोचते हुए जरूर मुझे नजर आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, इंटरेस्टेड है आपकी तरफ, अट्रैक्टेड है, और आपको लेकर बहुत ज्यादा मतलब फिजिकल वाली एनर्जी ज्यादा है कि फिजिकल होना चाहते हैं, फिजिकली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या आपके साथ इंजॉयमेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति हो सकता है कि कोई प्लेयर है, या ये व्यक्ति ऐसे भी चांसेस क्रिएट कर रहे हैं कि हो सकता है इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और व्यक्ति है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यस, ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, इनको आपकी याद आ रही है, ये आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, ये आपके साथ फिजिकल प्लेजर जरूर एंजॉय करना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है, अट्रैक्शन दिख रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए बहुत सीरियस होकर सोचते हैं, डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन इनके लिए ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये बहुत ज्यादा सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है, लोगों के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, सबके हिसाब से सोचकर चलना इनकी आदत है। देयर आर चांसेस कि या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड होने की वजह से ये आपको ज्यादा अप्रोच नहीं कर रहे, या बहुत सेफ चलने का प्रयास कर रहे हैं, या इनकी लाइफ में कहीं कमिटमेंट इन्होंने दे रखा है जिसके वजह से ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। डिफिकल्टी मुझे जरूर दिखाई दे रही है, बट ये आप में इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा है, ये आपको पसंद करते हैं, और स्पेशली फिजिकली आपको ज्यादा फैंटेसाइज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। ओवरऑल अगर आउटकम मैं बता रही हूँ इस हफ्ते का, तो ओवरऑल आउटकम में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में पुराने चैप्टर क्लोज होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है इस हफ्ते, बट वो नई शुरुआत आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, और आप जो है किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो वाली एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है जेमिनी राशि वालों के लिए फॉर दिस वीक 27 अगस्त से 2 सितंबर तक, गाइडेंस क्या है फॉर जेमिनी। 5 of Wands, देखो यार ऑप्शंस क्रिएट करो, आपको थोड़ा खुद को पुश करना ही पड़ेगा, आप ऐसे बहाने बनाकर एक्सक्यूजेस बनाकर बैठ नहीं सकते कि नहीं कल वाला ऐसा ठीक हो गया, तो कल जो हो गया उसे जाने दो, अब नई शुरुआत है और यहाँ पर ऑप्शंस क्रिएट करने की जरूरत है। आपकी लाइफ में जितना हो सकता है किसी भी व्यक्ति को लेकर इंस्टेंट फैसला करने की बजाय जितना हो सके अपना एक अच्छा खासा टाइम लो, खुद को हील करो, और फिर बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करो, किसी एक ऑप्शन पे ही स्टक मत हो जाओ कि चलो इधर से निकले तो अब एकदम से ये वाला ही ऑफर एक्सेप्ट करना है, ये मत करो, ऑप्शंस मत एकदम से मतलब एकदम से ये मत सोचो कि हाँ यही होना चाहिए, नहीं और 2-3 लोगों से मिलो और नए नए लोगों से बात करो, फिर जाके किसी आउटकम पे आना। इस वक्त आपके सामने लव या रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है, लव ऑफर है, रोमांटिक ऑफर है, जो भी व्यक्ति है उनको लेकर कंफ्यूज होने की जगह उस व्यक्ति से ज्यादा ज्यादा बात करने का प्रयास करें। ठीक है, थोड़ा खुद को पुश करें, और यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो यस आपको थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा फॉर योरसेल्फ, फॉर योर हैप्पीनेस, अगर आप खुश रहना चाहते हो तो यस आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा फॉर ऑल दिस। ठीक है, सो ये आप लोगों की रीडिंग है, रीडिंग आप लोगों को पसंद आई, और हाँ इधर एक एनर्जी ये भी क्रिएट हो रही है कि आपके पार्टनर के जीवन में आपके अलावा कोई और भी व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी वजह से आप हायर एक एनर्जी में, एक कंपटीटिव एनर्जी में जाकर खड़े हो गए हो, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, आपका रिलेशनशिप जिसके भी साथ रहा है वो इजी नहीं है, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा है, तो अगर आप इस रिलेशनशिप में जीतना चाहते हो तो पहले अपने माइंड को क्लियर कर लो कि उसी में जीतना है या आगे बढ़ना है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो, उसके अलावा अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो या वीडियो की स्क्रीन पर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूं, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।